हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पप्पल अग्रवाल और मेरे इस चैनल पप्पल फॉर यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आप अपनी वीडियो फाइल के साइज को 70 से 80% तक कैसे कम कर सकते हैं, वो भी बिना कोई क्वालिटी कम किए बगैर। मान लीजिए कोई वीडियो आपके पास 300 MB की है, तो आप उसकी साइज को 70 से 80% तक कम करके 50 से 60 MB तक में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सिखाऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की नई नई चीजें सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर से किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। मेरे पास क्रोम है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना हैंड ब्रेक। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे ऊपर में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है और इस पर क्लिक कर लेना है आपको। और ये देखिए यहाँ पर बता रहा है डाउनलोड हैंडब्रेक, आप इसे यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। 10 MB का ये सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको एक ये वीडियो फाइल है मेरी, मैं इसकी साइज दिखा देता हूँ आपको इसकी प्रॉपर्टीज में। और ये देखिए 271 MB की एक वीडियो फाइल है ये मेरी, इसे क्लोज करते हैं। मैं इसका साइज कम करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स आपको। आपको बस इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ओपन सोर्स से वो फाइल सेलेक्ट करनी होगी जिसका आपको साइज कम करना है। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं फाइल और डेस्कटॉप में से अपन ये वीडियो फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओपन। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो फाइल सेलेक्ट की है वो काफी HD क्वालिटी की है। तो चलिए इसमें कुछ सेटिंग कर देते हैं जिससे इस फाइल का साइज कम हो जाएगा। आपको इस फाइल का साइज कम करने के लिए बस वीडियो पे क्लिक करना है और यहां से इसे 26 तक कर देना है। इसके बाद ऑडियो में आइए। ऑडियो में आने के बाद यहां से MP3 ले लीजिए और MP3 में आके यहां से 128 और लास्ट में बस आपको यहां वेब ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है। और अब यहां का आउटपुट फोल्डर बता दीजिए फ्रेंड्स कि अपने को कहां पर चाहिए। तो मैं डेस्कटॉप में इसे टेस्ट वीडियो का नाम दे देता हूं और अब इसे सेव कर देते हैं। अब फ्रेंड्स आपको बस स्टार्ट एनकोड पे क्लिक कर देना है और इसके बाद ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट का, तो मैं इसे फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो इस प्रोसेस से आपके फाइल का साइज 70 से 80% तक कम हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे और कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप थोड़ी सी क्वालिटी में भी कम्प्रोमाइज कर सकते हैं जिससे आपके फाइल का साइज और ज्यादा कम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, आप इनमें से कोई सा सेलेक्ट करके उसकी क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज कर सकते हैं और अपने फाइल के साइज को और ज्यादा कम कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फाइल थी अपनी, इसकी प्रोसेस कम्प्लीट हो गई है और इसे अभी मिनिमाइज कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसने टेस्ट वीडियो के नाम से एक डिफरेंट फाइल बना दी है। तो सबसे पहले तो इसका साइज चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस फाइल का साइज हो गया है 24 MB और इससे पहली वाली फाइल का साइज था फ्रेंड्स 271 MB के आसपास। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी पुरानी वाली फाइल है जिसका साइज 271 MB था और ये नई वाली फाइल है जिसका साइज हो गया है 24 MB और क्वालिटी सेम है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दोनों फाइल को प्ले करके भी दिखा देता हूं फ्रेंड्स। ये है फर्स्ट वाली फाइल जो 271 MB की थी। और अब ये है नई वाली फाइल जिसका साइज अपन ने कम किया था। तो देखा फ्रेंड्स आपने, दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, कहीं से भी कोई क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन साइज जो है वो काफी कम हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे जरूरी बात इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।